Hello and welcome everybody, it's me Vikas Pandey. I welcome you all on my channel. You are watching FinMatter, a place where you get a truly and genuine advice because money matters a lot in your life. So friends, agar aap ek credit card lena chahte hain to friends ye video aapke liye hai. फ्रेंड्स, काफ़ी रिसर्च के बाद मैं एक ऐसा क्रेडिट कार्ड आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ जो कि आपके लिए लाइफ टाइम फ्री होने वाला है. देर इज़ नो एनुअल चार्ज, देर इज़ नो ज्वाइनिंग फी, नथिंग. एंड इसके अलावा आपको हमेशा कैशबैक मिलने वाला है इस कार्ड में. सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और ऑल वाला नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें ताकि जब भी हमारे यहाँ से कोई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सीधे आपको मिल सके, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियोज आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहता हूँ. सो फ्रेंड्स, मैं जिस कार्ड की बात कर रहा हूँ वो है अमेजन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड. फ्रेंड्स, अगर मैं इस कार्ड की बेनिफिट्स की बातें कर लूँ तो फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी अमेजन पे शॉपिंग करते हैं इस कार्ड की सहायता से, अगर इस कार्ड से पेमेंट करते हैं तो फ्रेंड्स आपको 3% का कैशबैक दिया जाता है. अगर आप अमेजन के अलावे ऐसी ढेर सारी वेबसाइट्स और ऐप्स हैं, अगर उन वहाँ पे इस कार्ड का यूज आप करते हैं पेमेंट करने के लिए तो फ्रेंड्स वहाँ पे आपको 2% का कैशबैक दिया जाता है. इन दोनों के अलावे अन्य कहीं पे भी अलावा अगर आप यूज करते हैं इस कार्ड का तो आपको पूरे 1% का कैशबैक दिया जाता है. फ्रेंड्स, 1% का आपका फ्यूल चार्ज भी आपका वेबर है. इसमें आपको कोई भी एनुअल चार्ज, कोई भी ज्वाइनिंग चार्ज आपको इस कार्ड के लिए नहीं देना है. सो फ्रेंड्स, अगर हम बातें कर लें कि इस कार्ड को कौन से लोग एलिजिबल हैं, इस कार्ड के लिए क्या आप एलिजिबल हैं, सो मैं उसको बता देता हूँ. इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आप सबसे पहले तो अमेजन पे के कस्टमर होने चाहिए. अगर आप अमेजन से हमेशा शॉपिंग करते हैं तो आप सीधे अमेजन का ऐप प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में. इंस्टॉल करने के बाद आप सीधे उसके ऐप को ओपन करें. ऐप को ओपन करने के बाद आप अमेजन पे वाले ऑप्शन को ढूंढें. अमेजन पे वाला ऑप्शन को क्लिक करें. क्लिक करने के बाद आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलेगा ऑप्शन अकाउंट्स का. अकाउंट वाले ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो वहाँ पे अमेजन पे से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं सारी सर्विसेज आपको वहाँ पे दिखाई जाते हैं. उसमें से एक आपको साइड में जो आपको ऑप्शन दिखाई देगा वो होगा अमेजन पे ICICI क्रेडिट कार्ड. फ्रेंड, अगर आप उस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे क्लिक करें. जैसे आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो उसके बाद जो अगला विंडो ओपन होके आता है उसमें आपको ये दिखाया जाता है कि आपका ये मोबाइल नंबर है और इस मोबाइल नंबर के सहायता से आपका एप्लीकेशन आप प्रोसीड करना चाहते हैं. नीचे वहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया होगा, आप उसको अप्लाई नाउ पे क्लिक करें. जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं जो अगला विंडो आपका ओपन होके आता है फ्रेंड्स, उसमें आपको दो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं. सबसे पहले आपका आधार कार्ड पूछा जाता है. आधार कार्ड के बाद आपका पैन डिटेल्स भी आपका पूछा जाता है. सो फ्रेंड्स, आप अपना आधार कार्ड वहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे एंटर कर दें, उसके बाद अपना पैन नंबर भी वहाँ पे डाल दें. उसके नीचे ठीक आपको दो चेकबॉक्स दिया होगा जिस पे आपको क्लिक करना होगा. क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा. जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है. वो OTP आपके आधार कार्ड से आता है. फ्रेंड्स, ये बहुत आवश्यक है कि आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक हो. वो OTP जो आपको रिसीव होता है आप वहाँ पर एंटर करें. एंटर करने के बाद आप उसको कंफर्म करें और उसको प्रोसीड करें. जैसे कंफर्म एंड प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, जो अगला विंडो आपको ओपन हो के आता है उसमें कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपके आधार कार्ड से ले ली जाती हैं, जैसे आपका नेम, आपका जेंडर. लेकिन आपका मैरिटल स्टेटस आपको चूज करना होता है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं. आप वहाँ पर चूज करने के बाद जैसे ही अगला जो आपका ऑप्शन दिखाई देता है उसमें ईमेल आईडी का दिखाया जाता है. आप ईमेल आईडी अपना एंटर कर लें. ईमेल आईडी के बाद आप अपने मदर का नेम डाल लें. मदर नेम के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है. डेट ऑफ बर्थ के बाद आपके फैमिली मेंबर में किसी एक का नाम और उसका रेफरेंस
और उसका आपका मोबाइल नंबर पूछा जाता है। फ्रेंड्स आप आसानी से वो एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे एक ऑप्शन दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि इज द अबव एड्रेस सेम एज प्रेजेंट, क्या आपका जो एड्रेस आधार कार्ड से जो लिया गया है क्या अभी भी आपका करेंट एड्रेस भी वही है। अगर आप यस करते हैं तो मतलब ये होगा कि आपका परमानेंट एड्रेस और आपका करेंट एड्रेस एक ही है। अगर आपका एड्रेस चेंज है तो आप वहां पे नो करके अपना नया एड्रेस, करेंट एड्रेस जो आपका है, आप वहां पे एंटर कर सकते हैं। अगर आपका फ्रेंड्स अगर एक ही एड्रेस है तो आप वहां पे यस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप वहां पे कंटिन्यू ऑप्शन पे जाएं। कंटिन्यू ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपका पूछा जाता है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में फ्रेंड्स आपको सबसे पहले अपना ऑक्यूपेशन डालना होगा, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं। उसके बाद आपकी कंपनी का, आपके फर्म का डिटेल पूछा जाता है। उसके बाद आपका एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस पूछा जाता है, ऑफिस का मेल आईडी पूछा जाता है। और उसके बाद सबसे नीचे आपको चेकबॉक्स दिया होगा, उसको क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप उसको वहां पे कंटिन्यू करते हैं तो उसके बाद अगला जो विंडो आपको ओपन होकर आता है उसमें ये पूछता है कि आपका इस कार्ड के लिए डिलीवरिंग एड्रेस क्या है, मतलब आप किस एड्रेस पे अपना कार्ड पाना चाहते हैं। फ्रेंड्स वहां पे दो एड्रेस आपको शो किया जाता है, एक वो एड्रेस जो आपने खुद एंटर अपना किया हुआ है, दूसरा आपके ऑफिस का एड्रेस होता है। तो आप अपने रेजिडेंस पे या आप अपने ऑफिस के एड्रेस पे कहाँ पे पाना चाहते हैं, दोनों में कोई एक एड्रेस आपको चूज करना होगा। चूज करने के बाद आपको वहां पे कंटिन्यू का ऑप्शन क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स जैसे ही वहां पे आप कंटिन्यू करते हैं तो अगला विंडो जो आपका खुल के आता है वो आपका वीडियो केवाईसी के लिए होता है। फ्रेंड्स कभी भी वीडियो केवाईसी के लिए तैयार होने के पहले आप अपने पास वो अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और एक वाइट पेज और एक पेन लेके बैठे, क्योंकि जो भी बैंक का एम्प्लॉय, ICICI बैंक का एम्प्लॉय जो भी आपके सामने वीडियो कॉल पे होगा वो आपका आधार कार्ड फिजिकल फॉर्म में देखता है, उसके बाद आपका पैन कार्ड देखता है। इन दोनों के अलावा आपसे एक वाइट पेज पे साइन करा के भी वो देखता है और इन सारी चीज़ों का पिक्चर वो क्लिक करते हैं। साथ ही साथ आपकी भी फ़ोटो वो बोलेंगे कि आप सीधे प्लीज़ खड़े हो जाएं, सामने कैमरे में देखें ताकि आपकी फ़ोटो क्लिक की जाए, आपकी लाइव फोटोग्राफी भी होती है। ये सब कुछ जैसे ही कंफर्म हो जाता है फ्रेंड्स उसके कुछ ही समय के बाद आपको वर्चुअल कार्ड मिल जाता है। वो वर्चुअल कार्ड आप अमेजन पे वाले सेक्शन में जाके भी आप अपना कार्ड वहां पे चेक कर सकते हैं, आपका लिमिट वहां पे दिखा दिया जाता है। और वो कार्ड विद इन अ वीक 7 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे वो कार्ड डिलीवर कर दिया जाता है। फ्रेंड्स आप में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे ही आप वहां पे कंटिन्यू के लिए ऑप्शन पे जाते हैं तो वीडियो केवाईसी का ऑप्शन नहीं खुलता है, बल्कि वहां पे ये शो करता है कि यू आर नॉट एलिजिबल ट्राई आफ्टर 6 मंथ्स। फ्रेंड्स ऐसा इसलिए हो सकता है कि आप अमेजन के रेगुलर कस्टमर ना हो, या दूसरा वजह ये हो सकता है कि आपका जो एड्रेस है वहां पे वो कार्ड, उस कार्ड की फैसिलिटी ना हो। सो फ्रेंड्स That's all about this card. I hope you all enjoyed this video. कोई भी ऐसा information नहीं बचा होगा जो मैंने आपको ना दिया हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी doubt है, कोई भी query है तो आप नीचे comment section में बता सकते हैं। So please keep watching, keep supporting. Thank you very much.